ध्रुव राठी जो कि अपनी YouTube वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और आप लोगों को तो याद ही होगा कि इलेक्शन के टाइम में ध्रुव राठी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कितनी ज्यादा वीडियोस बनाई थी और उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया था पूरे देश को ब्रेन वॉश करने में कि नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है। तो इसी वजह से ध्रुव राठी की बहुत ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वो हमारे देश के बड़े बड़े मुद्दों पे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो ज्यादातर मोदी और उनकी सरकार बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और रिसेंटली कोलकाता का जो हॉस्पिटल इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में ध्रुव राठी बहुत दिनों से शांत थे और शुरुआत में तो इस इंसिडेंट के बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब कोलकाता के लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू करा तभी ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिस वजह से ये न्यूज में आया और अब ये इंसिडेंट पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। हम सब चाहते हैं कि वो कोलकाता की लड़की को जस्टिस मिले। और गाइस उस हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत था, जितने भी रेपिस्ट थे उनका पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो ये ओपिनियन मेरा है जो कि एक कॉमन मैन है, लेकिन जो वहां की मिनिस्टर है ममता बनर्जी उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसमें उन्होंने बताया कि रेप के इंसिडेंट इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि मेन और वुमेन बहुत ज्यादा आजकल बातें कर रहे हैं। मतलब इस बात के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इस बारे में बात कर रहा हूं तो मैं इसके बारे में ज्यादा भी नहीं बोल सकता। और इससे भी बेकार बात यह है कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली है, वैसे देश में कोई भी बड़ा मुद्दा होता है तो ध्रुव राठी एक बड़ी सी वीडियो बनाते हैं और उसे अपने यूट्यूब पे डालते हैं। और अगर आप ध्रुव वीडियो की बड़ी बड़ी वीडियो जो कि वो यूट्यूब पे डालते हैं उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो उन वीडियोस में मोदी सरकार को जरूर टारगेट करते हैं। ऐसी ध्रुव राठी की कोई वीडियो होगी नहीं जिसमें उन्होंने मोदी या फिर बीजेपी का नाम नहीं लिया हो। उसके अलावा जब कोलकाता हॉस्पिटल का ये केस हुआ तो इस पे भी ध्रुव राठी एक बड़ी सी यूट्यूब वीडियोस बना सकते थे, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो इस पे यूट्यूब वीडियो नहीं बल्कि एक इंस्टा वीडियो बनाएंगे जो कि सिर्फ 1.5 मिनट की होगी और उस 1.5 मिनट में वो ममता बनर्जी को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। इन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। उसके अलावा ध्रुव राठी बताते हैं कि बढ़ते रेप का कारण एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज भी हैं। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है। मतलब ये बंदा जर्मनी रहता है, ये इतना मॉडर्न बनता है और ये ऐसी बातें कर रहा है। और ये भी एक यूट्यूबर है, इन्होंने भी ध्रुव राठी को एक्सपोज करा है, आप खुद ही सुनिए। अगर किसी नॉन बीजेपी स्टेट में कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो ये उसके स्पेसिफिक रीजंस में नहीं जाते, ये नहीं बताते कि कैसे लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या उसकी क्या गलतियां थी या पुलिस क्या गलत कर रही थी वहां पे। ये क्या कहते हैं कि इसके कारण बड़े वाइड स्केल है, कहते हैं हमारा समाज कैसा हो चुका है, हमारे समाज में अब महिलाओं की क्या कंडीशन हो चुकी है, क्या देश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह के सवाल पूछेंगे ये लोग, जो सवाल सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। हो सकता है आप इसमें इमोशनल भी हो जाओ, आप इनके वीडियो शेयर कर दो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने पूरे सवाल में पूरे रेंट में एक भी जगह स्पेसिफिकली नहीं पूछेंगे कि भाई साहब ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी। लेकिन अगर यही इंसिडेंट किसी ऐसे स्टेट में हो जाए जिसकी सरकार को ये पसंद नहीं करते तो ये एक भी बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि देश में क्या हो रहा है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ उस इंसिडेंट की बात करते हैं, ये नाम ले लेकर बात करते हैं कि ये पुलिस वाला वहां पे तैनात था, 9:26 पे ऐसा हुआ, 10 ये हुआ, फिर यहां पर ये आया, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, देखो कैसे चीफ मिनिस्टर भी इससे मिल रहा है, इससे हाथ मिलाते हुए दिख रहा है, इस बंदे की फोटो देखो, ऐसे कर करके एनिमेशन लगा लगा के 40 मिनट के 5 वीडियो बना देते हैं। तो ये है इनके ऑपरेट करने का तरीका, बड़ा सटल डिफरेंस है लेकिन इसी डिफरेंस से ये आपको ब्रेन वॉश करते हैं। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे जब मुद्दा दूसरी पार्टीज का होता है बीजेपी को छोड़ के तो ध्रुव राठी उस पे बड़ी वीडियोस नहीं बनाते, इसीलिए मैंने तो उनकी वीडियोस देखना बंद ही कर दी हैं। और भाई इस एक्सपोज के बाद आप क्या कहना चाहेंगे उस बंदे को जो कि एनिमल और कबीर